देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ से मैदान तक हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की 5 तस्वीरें आपके सामने। बिहार के पटना में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बाइक पानी की तेज धार में बह गई। बिहार के मुंगेर में बारिश एक बार फिर कहर बनकर टूटी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लोग जिंदगी बचाने के लिए तेज धार से जंग करने को मजबूर हुए। मध्य प्रदेश के रायसेन में अचानक आए तेज सैलाब में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गया। बिहार के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पटना में गंगा नदी इन दिनों पूरे उफान पर है। पटना के दीघा घाट से लेकर गांधी घाट, गाय घाट समेत सभी घाटों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रास्तों सड़कों पर बाढ़ के पानी ने डेरा जमा लिया है। वहां से जो तस्वीरें आई सामने उनमें लोग अपने घर जाने के लिए गर्दन तक पानी में चलते नजर आए। गंगा उफान पे है और इस कारण से गंगा जो है पटना के शहर में जो है एंट्री करने लगी है। इस दर हम बात करें तो गंगा के बड़े जल स्तर को लेकर के जिला प्रशासन ने नाव का परिचालन पूरी तरह से बंद कर रखा है। सीधे तौर पे जिला प्रशासन जो है डीएम ने निरीक्षण किया था और उस दौरान उन्होंने ये आदेश जारी किया कि गंगा में जो निजी नाव है उसका परिचालन नहीं होगा। उसके बावजूद यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो नाव का परिचालन यहाँ पे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के आदेश का खुलेआम उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है। लोग जो हैं वो नाव का प्रचालन करते हुए इस पार से उस पार आ जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही कहेंगे। और यहाँ पे जो लोग हैं वो आए हैं, देख सकते हैं कि नाव का प्रचालन करते हुए, तो इनसे हम इन लोगों से बात भी करते हैं कि बताइए कहाँ से आए हैं आप। हम लोग संबलपुर बंगाली टोला है, ये सामने आता है। ऐसे हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरे साथ चलते, हमारा सीन देख लेते और इसको आप अपने टीवी पर के चैनल से के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो जिला प्रशासन ने रिक्वेस्ट किया है उसको तो आप लोग मान नहीं रहे हैं। जिला प्रशासन ने निजी नाव के प्रचालन पर रोक लगा रखा है। अभी रोक रखा है सर, लेकिन हम जान वहाँ नहीं दे देंगे। हमारा परिस्थिति देख लीजिए, हम डूब रहे हैं, तो उससे अच्छा न है कि यहाँ रहेंगे, डूब न रहे हैं सर। मेरा नाम विजय राय है सर। विजय राय जी हैं, आप बताइए किस कह रहे थे आप? कह रहे थे सर ऊपरटी से जो आने के लिए व्यवस्था चाहिए ना, निजी नाव जो बंद है तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए, यही व्यवस्था है। अब देखिए सर नाव लोड होता आ रहा है, तो देखिए ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो नाव है सामने जो दिख रहा है ये सबलपुर इलाका है, बंगाली टोला इलाका है। और वहाँ से जो जो पशु हैं उन्हें भी नाव पे लोड करके लाया जा रहा है और सुरक्षित स्थान पे लाने की जो है वो कोशिश इन लोगों द्वारा की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि चूंकि जान जो है देने से अच्छा है कि हम जिला प्रशासन के आदेश का थोड़ा अवहेलना कर लें और अवहेलना करके अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले आए। तो फिलहाल जिला प्रशासन को भी देखना होगा इन लोगों के लिए कुछ पर्याप्त व्यवस्था करे ताकि ये लोग अपने घरों से सुरक्षित स्थान पर आ सकें। अब आपको पटना जिले के ही मनेर की तस्वीर दिखाते हैं। मनेर में जल तांडव से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के घरों से लेकर आंगन तक पानी भर चुका है। लगातार बारिश और गंगा नदी के उफान के बाद सड़क पर समंदर आ गया है। सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ खड़ी हुई है। मवेशी का चारा लेकर लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर है। एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे, आदमी का खाने का ठीक नहीं है और ऊपर से मतलब माल जाल है, सब चीज़ है, यहाँ पे रहने के शरण नहीं है, नाव पर आदमी समय बिता रहा है। हर एक तरह से परेशानी है, बहुत दिक्कत है। इतना एगो की तबीयत भी खराब है तो लोग टांग कर खटिया पर लेकर आया, ले जाकर भर्ती किया। पानी बढ़े तो सब एकदम फूल हो गए, ना बह जाए। अब जरा आपको उत्तराखंड की तस्वीर भी दिखा देते हैं। वहां पर भी आसमानी आफत ऐसे ही बरस रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद अब ऋषिकेश में नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी, तभी पहाड़ का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह सड़क पर गिरने लगा, जिसके बाद जो लोग जहां थे वहीं रुक गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। उत्तराखंड से पिछले कई दिनों से पहाड़ खिसकने की डराने वाली तस्वीर आ रही है। वही यूपी में गंगा और यमुना समेत तमाम नदियां गुस्से में हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शहर में सैकड़ों परिवार राहत शिविरों तक पहुंच गए हैं।
जो शिविरों तक नहीं गए हैं उनके सामने गृहस्थी बचाने का संकट है। अब आपको बाढ़ से बेहाल उत्तर प्रदेश की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी के मिर्जापुर के 50 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। औरैया में तो हालात इतने बुरे हैं कि बाढ़ का पानी मंदिर में घुस गया। गोंडा में घाघरा नदी अब तक कई मकानों और इमारतों को अपनी चपेट में ले चुकी है। वाराणसी और गाजीपुर से भी लगातार जल प्रलय की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि मानसून का ये आफत काल है। वहीं हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से दर्जनों गांव डूब गए और उनमें रह रहे हजारों लोग बेघर हो गए। सैकड़ों घर मिट्टी के कटान के साथ नदी में समा गए। खेती की जमीन को पानी निगल गया। हालात ये हैं कि सड़कें तो दरिया बन गई, घरों तक में पानी घुस गया। आसमान से बरस रही बूंदों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। प्रशासन के राहत शिविरों में भी 3,000 से अधिक लोगों को शरण मिली है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिले में इस समय बाढ़ की स्थिति बहुत भयावह है। यमुना और बेतवा दोनों नदी जो है लगातार बाढ़ से दूर चल रही है, लगातार खतरे के निशान से दूर बह रही है। अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है, 103 की जगह 107 मीटर पहुंच चुकी है। वहीं बेतवा की बात की जाए तो बेतवा नदी 104 से लेकर के लगातार 106 के ऊपर बनी हुई है। देखिए, ये वो रास्ता है जो पूरी तरीके से जिला मुख्यालय का रास्ता है, जो हमीरपुर से लेकर के 12 डेरे मुख्यालय में आते हैं, जो मीरापुर से लेकर के भिलावा और ये जो केसरिया का डेरा है, यहाँ पर बाढ़ से पूरा तरीके से त्राही त्राही है। चारों तरफ से घर जलमग्न हो चुके हैं, घरों में लोगों के पानी घुस चुका है और यहाँ पर आने जाने का साधन एकमात्र जल से ही गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, कैसे आते हैं और कैसे घर अपने पहुँचते हैं, आप लोग बताइए ज़रा। ऐसे ही हेल के पानी से, पानी से हेल के घर जाते हैं। आपको घर डूब चुके हैं पूरी तरीके से? डूब चुके हैं तो क्या हुआ, लेकिन घरों का सामान अब ऊपर चढ़ाना है। तो घर का सामान ऊपर चढ़ा के आप लोग रह रहे हैं? नहीं, हम लोग रह रहे हैं कुछ इच्छा में, डिग्री कॉलेज में। अच्छा, प्रशासन ने आप लोगों को डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं कि ये प्रशासन ने इन लोगों को डिग्री कॉलेज में शिफ्ट कर दिया है और चारों तरफ से बाढ़ की त्राही त्राही मची हुई है। ये देखिए, पूरी तरीके से डूब चुका है और जो है लगातार जो है यहाँ पर चारों तरफ से नज़ारा देख सकते हैं घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदियों के आसपास के निचले इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई। कई गांवों में मकानों में पानी भर गया तो वहीं सड़कों पर पानी भरने से एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत शिविर में लाकर रखा गया। हमारे यहाँ इतना तक पानी भर गया सर। सरकार सेवा कर रही है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है। कितने लोग हैं यहाँ? तकरीबन 400 आदमी आ चुके हैं और आने की उम्मीद है। करीबन 500 आदमी है, 550 आदमी है। शाम सुबह दोनों समय खाना मिल रहा है। लड़कन का जो चाय नाश्ता दूध जो आ रहा है वो भी दे रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए समुचित व्यवस्था करे और गंगा यमुना निरंतर खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, निरंतर पानी छोड़ा जा रहा है और निरंतर पानी और बढ़ने की संभावनाएं हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां लगातार उफान पर हैं और शहर से लेकर गांव तक पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बक्शी बांध पर मौजूद हैं। यहाँ पर किस तरह से जो मकान हैं वो आधे पानी में डूबे हुए हैं और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कल से ही अगर बात करें तो 1.5 से 2 फीट तक जलस्तर इसका बढ़ गया है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी हैं। NDRF, SDRF, PSC की फ्लड कंपनी यहाँ पर लगी हुई है। जो इलाके हैं यहाँ पर दारागंज, सलोरी, छोटा बघाड़ा, निवादा, बेली कछार, ऐसे तमाम इलाके हैं जो जलमग्न हैं। हजारों मकानों में पानी घुसा हुआ है और इसके साथ ही साथ जो बाढ़ राहत शिविर हैं उन बाढ़ राहत शिविरों में तमाम लोगों को लगाया गया है और NDRF की टीम आज एक बार फिर से यहां पर पहुंची है और आज फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। तमाम जो लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर इस जल प्लावन को देखने आ रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ आई है। आप यहाँ आए हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर बाढ़ आई है, कितनी मुसीबतें हैं लोगों को? यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, हम लोग देखने आए, मुसीबतें बहुत हैं यहाँ पे, परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी, लोग फंस गए यहाँ पे, बहुत सारे लोग फंसे हैं। आप भी यहाँ पर आई है, क्या देख पा रही है और किस तरह से यहाँ पर लगातार अभी भी पानी बढ़ रहा है? हाँ, बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, बाकी सभी परेशान है यहाँ पे बाढ़ की वजह से। बगल में बक्शी बांध है, हम लोग देखने आए हुए हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर देखने भी आए हुए हैं, लेकिन आज NDRF का क्या रूट प्लान रहेगा, किस तरह से आज यहाँ पर
लोगों के लिए बचाव और राहत कार्य चलेगा, इसके लिए हम बातचीत करेंगे NDRF के कमांडर यहाँ पर दिनकर त्रिपाठी जी हैं। सर ये बताएं कि आपकी टीम फिर से आ गई है, फिर से आप लोग यहाँ पर नाव को तैयार कर रहे हैं, तो क्या आज की स्ट्रेटजी है, कैसे लोगों को बचाएंगे एक सुरक्षित, और क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है पूरा? जब तक वाटर लेवल बढ़ता रहेगा तब तक हमारी टीम इसी तरह से जैसे हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और साथ में रेकी भी करते रहते हैं दिन भर। वाटर लेवल पिछले 24 घंटे में 1.5 फीट के करीब बढ़ा है अभी। जी सर, अभी अभी क्या ऊपर से जानकारी मिल रही है सिंचाई विभाग से कि अभी क्या पानी बढ़ सकता है, स्थिर रहेगा, क्या जानकारी मिल रही है? ये स्थिर होना लगभग ऐसी है जानकारी के अनुसार कि आज दोपहर या शाम तक पानी स्थिर होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। चिंता की बात तो ये है कि नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर गया। गंगा नदी खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और हर घंटे ये 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। यही वजह है कि निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया और कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं हम लोग, इतना परेशान हो चुके हैं कि यहाँ रहने का मन नहीं करता है। पढ़ाई लेकर हर कुछ डिस्टर्ब होती है यहाँ पर, रहने का ना पानी है, ना खाने को मिलता है, ना लाइट रहती है, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। सरकार नाला का कुछ समाधान नहीं कर रहा है, हम लोग क्या करें? 5-6 बाल बच्चा है, हम लोग लेकर जा रहे हैं, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना मोमबत्ती मिल रहा है, ना सलाई मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें? नाला के चलते बहुत पानी जो है घर तक पहुँच जा रहा है, घर के अंदर जो कि रहने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोगों को गाँव जाना पड़ रहा है। वही मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें 3 लोग बाइक के साथ बाढ़ का पानी पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान बाइक पानी में बह गई। वीडियो में साफ दिखा कि तेज बारिश के बीच 3 लोग बाइक के साथ तेज धार में निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ दूरी पर ही बाइक पानी के बीच फंस गई और फिर तीनों बाइक को छोड़कर अपनी जान बचाते नजर आए। इसी बीच बाइक तेज धार में बह गई। तस्वीरें जरा आप देखिए, पानी का बहाव इतना है कि कोई भी यहां से निकलने की चेष्टा नहीं कर रहा, लेकिन बावजूद इसके ये 3 युवक माने नहीं। इनको लगा कि शायद ये संतुलन बना ले जाएंगे और रास्ता पार कर ले जाएंगे,